Hey, good morning everyone. दिवाली का मॉर्निंग है ये. कल रात में खूब क्रैकर्स फूटा, आज सुबह हुई और ये देखिए काके का हाल, पूरा फॉग 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 फॉग. अभी तो फिर भी थोड़ा सा विजिबिलिटी है, सुबह 5 बजे बिल्कुल भी नहीं था. मैं गई थी सुबह 5 बजे अपनी स्कूटी में थोड़े से रोड में, फुल लाइट जलाने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था. तो ये है फॉग का पहला डे, डे वन ऑफ द फॉग. यही है कांके का मौसम. कांके के लोग वाकिफ है, हाँ मज़ा भी आता है बट बहुत डेंजरस भी हो जाता है रास्ते में चलाने के लिए. कुछ नज़र आ रहा है मेरे पीछे? नहीं ना, ये मेरा घर भी पीछे छुप गया है हल्का. अभी थोड़ा सा दिख रहा है बट ये पूरा छुप चुका है. ये है फॉग फॉग फॉग, पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, रोड में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा जबकि रोड यहीं पे है. ये है कुछ भी नहीं. चलिए आपको मेरे लोकेलिटी घुमाती हूँ सुबह सुबह, खेत खलिहान दिखाती हूँ सुबह सुबह. मेरे पास पड़ोस के सारे लोग सोए हुए हैं, मैं सुबह 5 बजे से जाग के घूम रही हूँ इधर से उधर. मेरा बेटा चला गया स्कूल, मेरे 10 मिनट का ब्रेक है अभी. अभी बजे हैं 6:30 और ये है मेरे घर के पीछे के खेत, धान के खेत. कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी, नो विजिबिलिटी ऑफ द पैडी फील्ड. सी, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है. बट मालूम इस मौसम में घूमने का अलग ही मज़ा है. So, we live in the cloud. मज़ेदार है, एकदम मज़ेदार. कुछ नज़र नहीं आता, सीरियसली इट फील्स लाइक we live in the cloud. ठंड नहीं है, उतना ठंड नहीं लगता है. जिस दिन फॉग होता है उस दिन बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है उतना. हाँ, यही अगर फॉग अभी नहीं होता ना, हवा चलता तो ठंड लगता. फॉग में क्या होता है कि हवा थोड़ा थम जाता है तो मतलब अच्छा लगता है मौसम. ठंड रहता है पर वैसा सिहरन वाला ठंड नहीं रहता. रोड 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 कुछ नज़र नहीं आ रहा ना. ये सरकारी भवन, तो ये है कांके की खूबसूरती. जाड़ा शुरुआत होते ही कांके अपनी खूबसूरती में उभर आती है फॉग के साथ, सफ़ेद चादर ओढ़ के. इस मौसम में आप आराम से टहल सकते हैं अगर आपके हाथ में कॉफ़ी का मग हो या चाय का कप हो, तो आराम से टहलते हुए पीने का मज़ा कुछ और होता है. पर कौन आदमी कॉफ़ी पीते हुए टहलता है? थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल, पर ऐसा फैंटेसाइज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ये एक मॉर्निंग फैंटेसी हो सकता है, राइट, विथ फॉग. Nobody is visible for me and I'm also not visible for others. अपने घर के बाहर इधर उधर घूमने में, इस फॉग का आनंद उठाने में,
मुझे बहुत मज़ा आता है। अर्ली मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे अपने अपने स्कूल जा रहे हैं, जॉय चला गया, अभी अंकुश भी जा रहा है। हाय अंकुश, गुड मॉर्निंग। चलो अब घर चले, घर के अंदर भी बहुत फॉग है। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू कीप योरसेल्फ जॉयफुल अर्ली मॉर्निंग। देखिए मेरे घर के पास जो पेड़ है ना, उसके उसमें भी पूरा फॉग तैरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगेगा जैसे क्लाउड का एक हिस्सा यहाँ से उठ रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल टू लुक एट देम, आई मीन लुक एट इट। चलिए आप लोगों को मेरे घर के दो नए मेहमान से मिलवाती हूँ। मिलना है अर्ली मॉर्निंग, मुझे तो गुस्सा है उनके ऊपर, इसलिए मैं अपना मूड तो पूरा फॉग के साथ रिफ्रेश कर ली। बट मैं नाराज़ हूँ उनसे, मुझे बहुत गुस्सा है भाई, उन्होंने मेरा घर गंदा कर दिया सुबह सुबह। उनका अपना रूम है, उनको आवाज़ देती हूँ और आप देखिए वो आते हैं कैसे। हाँ हाँ, बैठ के थोड़ा सा। हाँ ओके, रंगा चीता कम, देखिए देखिए देखिए, दिख रहे हो, अभी दौड़ते आएंगे। कम कम बेबीज, हा हा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। Say good morning to everyone. She's Cheetah. She is Cheetah and he is Ranga. Haha, the junior one. He is Ranga. ये लोग सुबह सुबह मेरे से पिटाई खाए हैं और डर से अंदर घुस गए, इसलिए मुझे इनको थोड़ा सा प्यार करके बुलाना पड़ा। And what you did today? Early morning in my room? हाँ, not fair, Cheetah. सुबह सुबह कौन गंदा करता घर के अंदर? रंगा इज अ गुड बॉय, ये बाहर जाता है। बट यू हैव लर्न वेरी गुड वेरी बैड मैनर्स, कम या कम। देखिए उसको ना गिल्टी है कि वो मेरे रूम गंदा किया है, इसीलिए वो आ नहीं रही है सामने, नहीं तो अभी सामने से हटती नहीं। ओके गो टू योर रूम, गो गो टू योर रूम, गो गो गुड बॉय, गो गुड गर्ल, गो। Go back to your room, go. They are very obedient. वो चले गए अपने रूम में। चलो go get inside, go, go. चले गए वो अपने जगह पे। So this is my morning. How today my morning started? लिटरली उनका गंदा किया हुआ देख करके ना मेरा सुबह सुबह फ्यूज़ उड़ गया दिमाग का, फिर ये फॉग देख के दिल खुश हो गया। अब फिर से रेडी हूँ। कभी कभी लाइफ में ना ये छोटा छोटा चीज़ बहुत ज़रूरी होता है खुश होने के लिए। बड़े बड़े चीज़ों का जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, उसको साइड में रख दीजिए, अपने अगल बगल का छोटा सा चीज़ ढूंढिए जिसमें आपको खुशी मिलता है, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ उस खुशी को एंजॉय कीजिए, लाइफ बहुत इजी हो जाएगा सीरियसली। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।